हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका सिज्म यूट्यूब चैनल, साथ ही रिपब्लिका ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, बीपीएससी का जो पोस्ट वैकेंसी आई हुई है प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्ज़ाम जो एक न्यू एग्जामिनेशन डेट क्या है, क्या घोषित किया गया है और उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यानी अब हमारे पास जो टाइम बचा है उस टाइम में हम कैसे बेहतर स्ट्रेटजी के साथ हमें क्या करें, आपको रिपब्लिका से क्या हेल्प मिल सकता है, आपको क्या करना चाहिए पर्सनली, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे डेप्थ में, ताकि आपका जो शेष टाइम, रिमेनिंग टाइम बच रहा है उसमें बिल्कुल ही 100% आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर का पीटी सिक्योर्ड हो जाए। ठीक है, टाइम भी कुछ 100 दिन बच रहा है। ठीक है, तो इस रिमेनिंग टाइम में आपको सिक्योर्ड करना है, इस बार कहीं भी आपको कोई लूप फॉल्ट नहीं छोड़ना है, टाइम आगे काफ़ी बढ़ाया गया है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात करते हैं। मैं आनंद श्रीधरम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं रिपब्लिका सिद्धम यूट्यूब चैनल पर, साथ ही रिपब्लिका ऐप पर। यह ऐप बहुत ही काम का है, रिपब्लिका ऐप, और आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए डिटेल में सारी चीज़ें, चाहे वीडियो क्लास हो या फिर स्टडी मटेरियल हो, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हो, सारी चीज़ को डिटेल में प्रोवाइड कराता है। बीपीएससी तो सिलेबस जारी कर दिया, वो भी काफ़ी देर से बस उसका काम समाप्त हो गया, लेकिन उस सिलेबस को पूरा कैसे कराया जाए एक बहुत एक मेजर क्वेश्चंस है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डेट के बारे में बात करें। तो अभी जो बीपीएससी के द्वारा एक डेट, एक टेंटेटिव डेट कह ले, एक संभावित जो डेट बन रहा था वह 7 फरवरी का था, लेकिन इस 7 फरवरी के डेट के बदले अब क्या किया गया है, 7 फरवरी के डेट के बदले, 7 फरवरी था अब तक डेट, इस डेट के बदले अब आपका जो नया एग्जाम का नया डेट होगा वह होगा कितना, 5 अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल 21। ठीक है, तो 5 अप्रैल 2021 को आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का पीटी का एग्जाम होगा। ठीक है, और इसके बाद आपका एग्जाम मेंस का और इंटरव्यू का काफ़ी तेज़ी से ले लिया जाएगा, क्योंकि यह ऑलरेडी लेट हो चुका है। इस ढंग की बातें ऑफिशियल लेवल पर, हायर लेवल पर बातें हो रही है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट इसलिए बढ़ाया गया है, मैं पहले भी आप लोगों को इंडिकेट कर चुका था कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ने वाला है। 7 फरवरी को APO का भी एग्ज़ाम है और प्रोजेक्ट मैनेजर का भी डेट रखा गया था, तो यह संभव नहीं था। और आप लोगों में से ही कुछ स्टूडेंट्स हमारे सहयोग से बीपीएससी में इस बात को रखा था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, होली के बाद का डेट होगा, और होली इस बार मार्च लास्ट में है, आई थिंक 28-29 मार्च को है शायद इस बार होली, तो उसके बाद होगा, यह बातें पहले से तय था। ठीक है, तो चलिए अब डेट अनाउंस हो चुका है फाइनली, और यह आपका 5 अप्रैल को होगा। यानी अब कायदे से आपके पास टाइम क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अप्रैल में तो केवल आपको 4 दिन टाइम मिलेगा, तो अप्रैल को काउंट मत कीजिए, 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इधर दिसंबर में, आज 15 दिसंबर है, तो आपके पास टोटल 105 दिन टाइम मिलता है। इसी 105 दिन में, है ना, इसी 105 दिन में आपको नया साल भी मनाना है, क्रिसमस भी मनाना है, नया साल भी मनाना है, बसंत पंचमी भी मनाना है, मकर संक्रांति भी मनाना है, होली भी मनाना है, तो ढेरों सारा पर्व शुरुआत, और शादी विवाह भी कई सारे लोगों का, हालांकि बीच में इस बार लगन नहीं पड़ रहा है, बहुत अच्छी बातें हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसी 105 दिन में बहुत सारा फेस्टिवल्स भी आ रहा है नए साल 2021 में, तो ऐसे में आपके पास जो कंक्रीट टाइम बच रहा है वह 100 डेज का भी नहीं बच रहा है। ठीक है,
देखिए बहुत ही आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, नहीं तो फिर वही बातें होगी जो अब तक आप लोग महसूस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी तैयारी नहीं है, एग्जाम का डेट आगे बढ़ जाए, इस टाइप की फीलिंग आपके मन में एक आती रही है, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम का यह डेट फाइनल डेट है 5 अप्रैल, अब आगे नहीं बढ़ेगा और आपके पास यही 105 दिन का टाइम है, और इनफैक्ट 100 दिन भी नहीं है, चूँकि अब कैसे दिसंबर बीत जाएगा, क्रिसमस आ जाएगा, नया साल आ जाएगा, नए साल के उत्सव में ही आप लगे रहेंगे 2-4 दिन, तो ऐसे में आपके पास केवल 3 महीना ही समझिए, 3 महीना यानी 90 दिन का टाइम होता है, तो काउंटडाउन स्टार्ट है। और जो सिलेबस BPSC ने जारी किया है उस सिलेबस पर भी हम लोग चर्चा भी करेंगे, ठीक है, और मेरे से क्या हेल्प मिल सकता है इसकी भी चर्चा होगी, यानी रिपब्लिका से, ठीक है। तो जो सिलेबस जारी किया है तो उसमें सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, बहुत सारा सिलेबस ब्रॉड बेस्ड है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अलग से भी पूछा जा सकता है। सिलेबस का मतलब ये नहीं हुआ कि बस वहीं तक सीमित है, जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसके आसपास के उसके रेंज में बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती है, उस वो सारा चीज़ कहीं ना कहीं ले लिया जाता है, ठीक है, तो वह भी आपको इसकी बियॉन्ड भी कुछ जाना होगा। तो सारी चीज़ों को हम लोग को इसी 3 महीना में या 100 डेज आप कह लें, ठीक है, आपको करना है। चलिए मैं इस डेट को मिटा देता हूँ, 7 फरवरी था, अब 5 अप्रैल हो गया है, प्रोजेक्ट मैनेजर का PT का एग्जाम, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डन। अब हम लोग आते हैं थोड़ी सी इसकी सिलेबस पर आएंगे, थोड़ी सी तेज़ी से देखते हैं क्योंकि सिलेबस को ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं। रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म से आपको क्या हेल्प मिल सकता है, अब जो बाकी का जो टाइम है 100 दिन का टाइम है, इसमें आपको काफ़ी स्पीडली काम करना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अब वह नहीं, फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस वाली चीज़ें आपको अपनानी होगी, आपको कंटिन्यूसली भी दौड़ना है और फास्टली भी दौड़ना है, वो खरगोश वाली कहानी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो अब ज़माना कुछ ऐसा ही है, और ऑलमोस्ट समझिए कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें लगभग यही बातें दिख रही है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्ज़ाम है, चूंकि यह रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है तो बहुत सारे लोग नहीं करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिपब्लिका ही केवल करवा रही है, तो इसमें जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है वह आ रहा है कि लगभग 22-23 हज़ार लोगों ने फॉर्म डाला है, ठीक है, और फॉर्म जो डाला है तो बीटेक बैकग्राउंड वाले ज़्यादा हैं, MBA वाले भी हैं, कुछ CA वाले भी हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें, अधिकांश लोग जॉब वाले हैं, अगर एरिया वाइज देखें तो उसमें ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट से लोगों ने, बेसिकली उसमें बिहार के स्टूडेंट ही ज़्यादा हैं लोगों ने फॉर्म भरा जो अलग अलग स्टेट में जॉब में हैं, इवन कि अंडमान निकोबार से भी कुछ लोग हैं, कुछ गल्फ कंट्री से भी हैं, संयुक्त अरब अमीरात वगैरह से भी हैं, तो बहुत ही कंपटीशन टफ होने वाला है, ठीक है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीटी में रिजल्ट आप मान के चलिए कि 800 के आसपास रिजल्ट होगा, तो उस 22-23 हज़ार जो फॉर्म डला है तो उसमें 800 लोगों का चयन एक बहुत ही एक टफ इक्वेशन बन रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर आपके काम को बहुत कुछ हम लोगों ने कोशिश किया है आसान कर देने का, बिल्कुल ही प्लेट में परोस करके तस्तरी में आपको चीज़ें दे दी जाएगी और इसको बिल्कुल ही आपको डाइजेस्ट कर जाना है, तेज़ी से उसको पढ़ जाना है, ज़्यादा नहीं 600-700 पेज की जो भी मटेरियल होगी तो उस सब पर काम हो चुका है। सिलेबस पर आइए हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं मैटर पर आऊँगा कि मुझसे क्या क्या मैटर मिल सकता है, ठीक है, तो चलिए मैटर की ही बातें मैं करता हूँ, जैसे टोटल 12 टॉपिक है इसमें, इसमें जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर, इसमें 12 यूनिट है, पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन, मैं तेज़ी से निकलता हूँ, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग है, फिर यूनिट 3 में नीति आयोग है, यूनिट 4 में फिस्कल सिस्टम, 5 में मॉनेटरी पॉलिसी, 6 में इन्फ्लेशन, 7th में टैक्सेशन, 8th में जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया,
जो सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन है वो सब है इसमें, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, और दसवां है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सात ग्यारहवां है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, और इसी में बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट है 2016। तो ये टोटल बारह यूनिट है, और 12 यूनिट के अंदर क्या सब टॉपिक है वो भी डिसाइड कर दिया गया है, हमने भी देखिए डाल दिया है सारी चीज़ें। तो इन सारा जो 12 यूनिट है, इस 12 यूनिट का स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म से आपको इसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी भी जो ऐप पर कोर्स चल रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर का कोर्स चल रहा है, जिसमें 125 प्लस वीडियो जो 105 वीडियो अभी डाला गया है, इसमें बहुत सारा वीडियो अभी और डालना है। इसमें सारा सिलेबस हम कवर करवाया जाएगा, इकोनॉमी का चाहे इंडस्ट्री का हो, मेंटल एबिलिटी हो या करंट में भी हम सारा करवाएंगे A to Z। इनफैक्ट हो चुका है मैक्सिमम चीज़ें, क्वेश्चन सर डिस्कशन फॉर्मेट में, फिर स्टडी मटेरियल्स में बता ही दिया सारी चीज़ें। स्टडी मटेरियल को मैं एक बार तेज़ी से दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का एक क्वेरी था कि सर स्टडी मटेरियल में क्या दिया जाएगा, तो मैं अभी तेज़ी से आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन सा फाइल है, सारे फाइल को एक बार खोल करके दिखा दूंगा, ठीक है। यह व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है 7678599093। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके, और आवश्यकता पड़े तो आप कॉल भी करेंगे, और सर्टेनली कॉल करेंगे आप, ठीक है। आपको जो कोर्स में शामिल होना है या फिर हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए वो सारा चीज़ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ जाएंगे, डिटेल में आपको और भी डिटेल जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हुआ, सिलेबस काफ़ी वास्ट है, इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, पूरे सिलेबस को कवर कर लिया गया है इसमें, जो इसका नोट्स स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। इसमें इसके बियॉन्ड कुछ भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही मेहनत के साथ जो किताब बनाने में काम मेहनत होता है, सेम चीज़ें यहाँ पर वही हुई है, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं मार्केट में अब तक थी। तो समझिए कि एक कंपाइल्ड फॉर्म में, एक टोटलिटी में सारी बुक फॉर्मेट में आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का, इकोनॉमी इंडस्ट्री का सिलेबस, करेंट का और मेंटल एबिलिटी का कवर किया गया है। अब चलिए इसका कुछ मैं चैप्टर लेकर के आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या उसके सिलेबस में के अकॉर्डिंगली हमने डाला है। जैसे एक दूसरा टॉपिक है, देखिए एक दूसरा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, ठीक है। तो इसका इसका जो स्टडी मटेरियल होगा देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यह होगा कुछ इस टाइप का, यूनिट 2 का, ठीक है। इसी ढंग से 12 यूनिट का है, 12 यूनिट को मैं एक बार तेजी से आपको दिखा भी दूंगा। इसमें क्या होगा कि हमने सबसे पहले सिलेबस डाल दिया है ऊपर में ही, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग। इस यूनिट में कौन कौन सा टॉपिक है उस टॉपिक को भी देखिए, टॉपिक सब टॉपिक्स को, इंडियन इकोनॉमिक्स सेक्टर्स एंड देयर कंपोनेंट्स, सीडी एम विश्वेश्वरैया प्लान, फिक्की प्लान, बॉम्बे प्लान, नेहरू प्लान, ठीक है, नेहरू प्लान और नेहरू महानोविस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, फिर रोलिंग प्लान, राव मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ ग्रोथ, गांधीयन प्लान, पीपुल्स प्लान, सर्वोदय प्लान और रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो एज इट इज जो सिलेबस में आपको मेंशन किया गया है, एज इट इज हमने ऊपर में सिलेबस डाल दिया है आपके स्टडी मटेरियल में, एज इट इज सिलेबस डाला है और सिलेबस का मेंशन भी कर दिया कि हमेशा सिलेबस का वह यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो आपके सामने रहे, और उसके बाद हमने एक एक करके चीज़ों को आपको बताया भी है। जैसे मान लीजिए सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी सेक्टर्स एंड देयर कंपोनेंट, तो सेक्टर्स और कंपोनेंट्स को हमने ले लिया है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, फिर टर्सरी सेक्टर है, ठीक है, टर्सरी सेक्टर है। फिर इसके बाद है कि अगला आपका जो यूनिट में था, सिलेबस में था, वह है कि जो वेरियस डेवलपमेंट मॉडल है उस मॉडल को लिया है,
ठीक है, मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो थोड़ा सा मैंने पहले डिटेल में बता दिया है उस मॉडल, जो अलग अलग मॉडल है उस मॉडल का, इसमें पहला मॉडल आपका है एम्बिशेसरिया प्लान। तो देखिए कोशिश हुई है कि थोड़ा सा फिगर वगैरह है, थोड़ा सा ग्राफ्स डायग्राम वगैरह का जहाँ भी हम यूज कर सकते हैं तो सारा हमने यूज किया है ताकि एक विजुअल इफेक्ट हो। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं जिन लोगों का जनरली थोड़ा सा हिंदी बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, हालांकि इसमें सारे लोग बीटेक हैं, एमबीए वाले हैं, सीए वाले हैं, फार्मा वाले हैं और इकोनॉमिक्स और मैथ बैकग्राउंड वाले हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं है इंग्लिश को लेकर के। जहाँ पॉसिबल थोड़ा बहुत हुआ है हमने हिंदी में भी डाला है, ठीक है, ऐसा नहीं है, करेंट का मैटर हिंदी में ही होगा, फिर मेंटल एबिलिटी का भी होगा, लेकिन इकोनॉमी और इंडस्ट्री वाले पार्ट में मैक्सिमम चीज़ें हिंदी इंग्लिश में है और कुछ चीज़ें हिंदी में भी है, लेकिन इंग्लिश में होने के बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्योंकि इसमें आप देखिए कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, पॉइंट फॉर्मेट में है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, आप हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़िए, एम विश्वेश्वरैया वॉज एक्स दीवान ऑफ मैसूर, ठीक है, ही पब्लिश द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया इन 1934, विश्वेश्वरैया प्लान इज कॉल्ड एट द फर्स्ट ब्लू प्रिंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, इट रिकमेंडेड द शिफ्ट लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, दिस विल डबल द नेशनल इनकम इन वन डिकेड, यानी उन्होंने इस बात को रिकमेंड किया था कि जो लेबर एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनको इंडस्ट्री में शिफ्ट करना चाहिए ताकि हमारा इनकम डबल हो सके। तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हिंदी इंग्लिश में नहीं आएगा, इनफैक्ट इंग्लिश में ही सहूलियत होती है और सबके लिए सहूलियत होती है। जहाँ जहाँ भी देखिए कि थोड़ा सा फिगर वगैरह का यूज किया गया है, जैसे कांग्रेस प्लान है 1938 में आया था, ये फिक्की प्लान है 34 में आया था और फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है, यह अपना 90 वर्षगांठ मना रहा था, उसमें का फोटो लिया गया है, ये कांग्रेस प्लान है, ठीक है, कांग्रेस प्लान के कौन चेयरमैन कौन थे, तो ये सारी चीज़ें हैं, फैक्ट्स एंड फिगर है, इसलिए पॉइंट फॉर्मेट में डाला हुआ है और कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आगे मेंस में भी हेल्पफुल होगा, इंटरव्यू में भी हेल्पफुल होगा। अब देखिए कि इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पॉइंट फॉर्मेट में है, इसलिए हिंदी इंग्लिश का कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रह जाता है। बॉम्बे प्लान को देखिए, जहाँ भी पॉसिबल हुआ है फिगर तिगर भी डाल दिया गया है ताकि आपको सहूलियत हो, पढ़ने में मज़ा आए। अब देखिए कि हाँ, जो जहांगीर रतन जी जो टाटा थे, दादा भाई टाटा थे, वो कैसे थे, ठीक है, या फिर दारा साहब शरौफ थे, ठीक है, मथाई साहब थे, तो उनके बारे में गांधीयन प्लान है। तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा टॉपिक पर क्योंकि ऑलरेडी सारा टॉपिक हो चुका है, बहुत सारा मैं वीडियो वगैरह इस पर बना चुका हूँ, रिपब्लिका के ऐप पर डाला जा चुका है, यूट्यूब पर मैं कभी काल आता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रिपब्लिका के ऐप पर मिलेगा, आपको रजिस्टर्ड मेंबर बनेगा बनना पड़ेगा, इसके लिए एक नॉमिनल फी भी लिया जा रहा है और बहुत ही वो मामूली सा फी है, आप लोग जुड़ जाएंगे और इसमें जो भी आपको फायदा चाहिए वो सारी चीज़ें A to Z एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। देखिए पीपुल्स प्लान है, जिसमें पीपुल्स प्लान को बनाने वाले मानवेंद्र नाथ राय थे, यानी MN रॉय थे, ठीक है, सर्वोदय प्लान है, तो इस ढंग से सारी चीज़ें नेहरू महानवीस मॉडल में देखिए, यही महानवीस साहब है जो महान सांख्यिकीविद थे और 29 जून को इनका बर्थडे होता है, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो नेहरू महानवीस मॉडल में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था और इंडियन प्लानिंग का एक्चुअल फादर इन्हें माना था। राव मनमोहन जो मॉडल है LPG का मॉडल आया था तो उसमें क्या क्या बातें थी, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हमने अलग से भी डाल दिया, जैसे पूरा मॉडल आपको नहीं पढ़ना है, पूरा मॉडल आप कलाम साहब का, लेकिन फिर भी हमने डाल दिया है कि चलो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी, या क्वेश्चन फिर भी बन जाता है, या आगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए यूजफुल हो जाएगी। पूरा मॉडल है, जैसे पूरा मॉडल को अगर इंडिया में सॉरी बिहार में अप्लाई किया जाए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमारे जो इंडियन प्लानिंग है, सो इंडियन प्लानिंग का क्या क्या फीचर्स रहा है, कुछ चीज़ें हमने एडिशनली भी डाल दिया, आपके सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, तो ये अच्छी बातें हैं, ठीक है,
देखिए रॉलिंग प्लान है तो रॉलिंग प्लान में कैसे जो गुनार मेडल थे, गुनार मेडल साहब स्वीडन के थे, और कैसे जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने थे तो रॉलिंग प्लान को अडॉप्ट किया था 1978 से 80 के टाइम में, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिलेगा। गुनार मेडल ये देखो, आप थोड़ा सा फोटो को आप देख लेते हैं, चीज़ें जब विजुलाइज हो जाती है तो आपको याद रहता है। बहुत दिनों तक तो मैं बहुत सारे लोग इस गफलत में रहते हैं कि गुनार मेडल महिलाएं थी, लेकिन जब तक आप फोटो देख लेते हैं तो क्लियर हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। एक कहीं ना कहीं इंटीमेसी उनके प्रति हो जाती है, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान है, मीनिंग ऑफ रोलिंग प्लान है, तो सारी चीज़ आपको इस नोट्स में छोटा छोटा देखिए पैराग्राफ है, दो लाइन तीन लाइन का पॉइंट फॉर्मेट में है, तो एक काफ़ी आसान है। चाहे आपका मीडियम हिंदी रहो इंग्लिश में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी सेंटेंस को आप बहुत ही सरल भाषा में डाला गया है। रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग जो लास्ट टॉपिक आपका था, उस यूनिट का लास्ट टॉपिक क्या था, रोल ऑफ स्टेट प्लानिंग। तो स्टेट का क्या रोल है प्लानिंग में, उसको हमने डाल दिया है। जो एक्सटर्नलिटीज लेवल है उस लेवल पर है, या इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, उसमें स्टेट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर पाती है। प्रमोटिंग एंड सेविंग एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जो सेविंग्स की प्रवृत्ति को बढ़ाना भी एक स्टेट का काम होता है। जब तक सेविंग नहीं बढ़ेगा तो आप कैसे निवेश करेंगे नए नए चीज़ों में। इक्विटी एंड जस्टिस को सिक्योर करना भी स्टेट का काम है, एक कोई प्राइवेट कंपनियां नहीं कर सकती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं जो कि स्टेट को करना है। आप देख सकते हैं कि टोटलिटी में ये सारी चीज़ें आपको इस नोट्स में डाल दिया गया है। इसी ढंग से सारा चैप्टर है इसमें, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो भी इस पर आपको चाहिए वो सारा चीज़ आपको A to Z यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, इसमें अच्छी बात है कि एक बहुत ही नॉमिनल फी के साथ ही आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो इससे आप जुड़िए और फ़ायदा उठाइए। कुछ और भी चीज़ हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए करंट का मैटर है। करंट का मैटर एक फाइल यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो करंट का मैटर है, तो करंट का मैटर को हमने क्या किया है, हिंदी में ले लिया है। पूरे साल भर का जनवरी 2020 से लेकर के, और चूंकि अब एग्ज़ाम का डेट आ गया है 4 मई को, ठीक है, तो सॉरी 5 अप्रैल को, ठीक है। तो तब तक यानी मिड मार्च तक का, मिड मार्च फरवरी लास्ट ये मिड मार्च तक का मैं सारा आपको करंट अवेलेबल करवा दूंगा, यानी लगभग 14-15 महीने का मैं अवेलेबल करंट करा दूंगा, और यह काफ़ी होगा, ठीक है। बहुत ही माइन्यूटली होगा, उसमें हर एक डेज के हिसाब से पेपर से कलेक्ट किया गया है, ठीक है। जैसे देखिए कि ये सितंबर महीने का है, ये सितंबर महीने का जो भी फैक्ट्स एंड फिगर था पेपर वगैरह से जो कलेक्ट किया गया है, उन सब आपके सामने है। और ये कंटेंट फॉर्मेट में भी है, और यह क्या होगा, इस फॉर्मेट में होगा, क्वेश्चन से फॉर्मेट में होगा, यानी क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चंस क्या बन सकता है, वह भी ऐसे 1000 क्वेश्चंस मैं दे दूंगा, ठीक है। कहीं हिंदी में भी होगा, कहीं इंग्लिश में भी होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप लोग रिपब्लिका के साथ कॉपरेट कीजिए, और मैं भी आप लोगों के साथ कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम कॉपरेट करने का, जो आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसको पूरा करने का, और फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। अभी टाइम भी सफिशियंट है, तो यह सितंबर महीने का है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं स्वयं ही करा रहा था, इन सब पर क्वेश्चंस है, सब पर क्वेश्चंस भी दिख जाएगा, और ये अच्छी बात है कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस होगा करंट का जो है। जैसे मान लीजिए प्रश्न बनता है कि हाल ही में कौन सी किस राज्य की महिला मुख्यमंत्री, यानी पूर्व महिला मुख्यमंत्री का निधन हो गया है, तो जैसे मुझे याद आ रहा है मैं क्वेश्चन कराया भी था, तो देखिए यहाँ पर उसका आंसर है, हाल ही में असम की पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवर तैमूर का निधन हो गया था, सितंबर महीने में उनका निधन हो गया था, और वह 84 वर्ष की थी, वह अपने बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी, ठीक है। एक कहीं ना कहीं रिटायर्ड लाइफ, और शी वॉज द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, ठीक है, असम की। तो जनरली सैयदा अनवर तैमूर का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है, आप जयललिता का नाम और राबड़ी देवी और इन सब का नाम, उमा भारती सब का नाम तो आपने सुना है, ठीक है, मायावती का, लेकिन ममता बनर्जी का, लेकिन सैयदा अनवर तैमूर कहीं
किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ऐसा आपने नहीं सुना है, और यही आपके क्वेश्चंस में आ जाता है। एक एक क्वेश्चन, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पर डाला हुआ है वह आपके एग्जाम का क्वेश्चंस हो सकता है, चाहे वह इसका हो, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हो जो अभी हमने डिटेल में आपको दिखाया था। एक एक लाइन से, एक एक लाइन से इंडियन इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चंस आप ले लीजिए, कोई भी आप ले लेंगे वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी, कोई भी। अच्छा, ए ए आपका, अच्छा इसमें हमने देखिए अच्छी बात है कि मैं कुछ आपको हिंदी में नहीं दिखा पाया, यह जो हमने चैप्टर लिया था इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग वाला, तो उसमें देखिए नीचे में कुछ हमने हिंदी में भी डाल दिया है, हालांकि हिंदी में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे रोलिंग प्लान है, हाँ उसके बारे में डिटेल में है, अलग अलग जो प्लान आया है, तो ये कुछ कुछ हिंदी में भी है, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश से तो हमको थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किसी के लिए नहीं है, नहीं होना चाहिए, इनफैक्ट हिंदी में इंग्लिश में काम करना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी आप लाइन उठा लेंगे, कोई भी लाइन आप उठा लेंगे और वहाँ से क्या होगा, प्रश्न बनने की प्रॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। जहाँ भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा है तो वहाँ पर मैं क्या किया हूँ, अंडरलाइन कर दिया हूँ या इसको हाईलाइट कर दिया हूँ, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो। इसी को आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जो भी पॉसिबल हो सके। मान लीजिए कॉन्सेप्ट है रोलिंग प्लानिंग का, यहाँ पर जैसे एक चीज़ आ रही है, तो प्रश्न आ जाएगा कि रोलिंग प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को किसने लाया था, हु हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द रोलिंग प्लान, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने इसमें भी डाल दिया, डार्क कर दिया, बोल्ड कर दिया है, द रोलिंग प्लान फॉर द बैकवर्ड कंट्री, किसके लिए था, तो बैकवर्ड कंट्रीज के लिए था, न कि फॉरवर्ड कंट्री के, जो डेवलप्ड स्टेट्स है, कंट्री है, उनके लिए नहीं, बैकवर्ड देशों के लिए। गुनार मिडल साहब जो कि स्वीडन के थे, गुनार मिडल वॉज ए स्वीडिश इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन थे, एंड अ सोशल एडवोकेट हु हैज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1974। प्रश्न बन सकता है कि उनको नोबेल अवार्ड मिला था और किस चीज़ के लिए मिला था। मिडल्स इकोनॉमिक वर्क इंक्लूड द कंट्रीब्यूशन टू द प्राइस थ्योरी एंड अप्लाइड वर्क इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो गुनार इसमें है क्या, रोलिंग प्लान है क्या, ये सारा चीज में डाल दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कहीं भी आप उठाएंगे, कोई भी लाइन आपका, कोई भी प्लान, ठीक है, इसमें क्या है, अब रोलिंग प्लान क्या है डिटेल में डाला गया है, ठीक है, डिटेल में अभी नहीं जाना चाहूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। मान लीजिए एक दूसरा फाइल है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, जो 11वां टॉपिक है, सिलेबस हम लोग देख चुके हैं, जो 11वां टॉपिक है, उस टॉपिक को देखिए कि डिटेल में इसमें बिल्कुल ही ग्राफ डायग्राम है, बॉक्स बना करके जहाँ भी जो भी रिक्वायरमेंट है इसमें आपको डाल दिया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर जो है, जो लास्ट आपका 11th और 12वां जो यूनिट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी और एक्ट 2016 का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो हमने एज इट इज इसमें सोर्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार का सोर्स को लेते हुए और यहाँ पर सफिशियंट मैटर डाल दिया गया है। मान लीजिए मखाना है, तो मखाना के लिए क्या क्या चीज़ें चल रही है, एनुअल प्रोडक्ट्स के रूप में है, सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल में बॉक्स बना करके, अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी मैटर के फॉर्मेट में, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे है टूरिज्म सेक्टर है बिहार में, तो टूरिज्म सेक्टर के लिए कैसे बुद्ध सर्किट है, बुद्ध सर्किट में कौन कौन सा बुद्ध सर्किट में एरिया कवर होता है, सूफी सर्किट है, जैन सर्किट है, रामायण सर्किट है, शक्ति सर्किट है, सिख सर्किट है, गांधी सर्किट है, शिव सर्किट है, जो स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो सारा चीज़ इसमें कवर है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन जो डाला गया है, तो आपके एग्जाम्स का क्वेश्चंस का पार्ट हो सकता है। इस ढंग से सहज सरल ढंग से रखा गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तेज़ी से केवल आपको पढ़ना है, आपको मोबाइल का आविष्कार नहीं करना है, जो मोबाइल बन गया है एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल है उसको केवल आप यूज करना है, इतना तो आप कर सकते हैं ना, कि एक उसके पीछे हजारों हजार घंटे का कहीं ना कहीं मेहनत होता है उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में और उसके इनोवेशन में, उसकी डिस्कवरी में, ठीक है, उसको डेवलप करने में, लेकिन आपको काम नहीं करना है,
आपका काम बस केवल चीज़ों को पढ़ना है, तेज़ी से मेमोराइज करना है, रिटेन करना है, इसको मगअप कर लेना है, बस इतना काम है और वो काम आप कर लेंगे। बिल्कुल 100 डेज का टाइम है, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही सहज सरल ढंग से आपको ये सारी चीज़ें, देखिए 11वां चैप्टर हमने ले रखा है, ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। एक बार मैं और भी तेज़ी से सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या क्या होगा इंडेक्स के फॉर्मेट में। इंडेक्स में देखिए, जैसे यहाँ पर सामने आ रहा है, देखिए